आज की वीडियो का टॉपिक है वो यही है कि वक्त के भरोसे मत बैठ भाई, वक्त के भरोसे मत बैठ। अभी आप लोग जो मेरे डैमी गॉड्स इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, एक चीज को याद रख लो आज से, हमें अपना वक्त खुद बनाना पड़ता है, वक्त कभी नहीं आता। अब हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को आगे बढ़ेंगे कि यार ये सब क्या है, ये सिर्फ उन लोगों के दिमाग का एक कीड़ा है, कीड़ा बना रखा है लोगों ने दिमाग के अंदर, कीड़ा बना रखा है, वक्त का बहाना बना रखा है कि हाँ मेरा वक्त आएगा कब आएगा, मेरा वक्त नहीं आएगा, लोगों का अच्छा वक्त आता है मेरा वक्त आता है, यार ये सब बहाने हैं यार, ढोसलेबाजी है। लोगों के काम ना करना का नंबर वन बहाना है कि मेरा वक्त नहीं है। इन दिस प्लैनेट ओनली 1% ऑफ पॉपुलेशन इज द रिचेस्ट पॉपुलेशन, द मोस्ट सक्सेसफुल पॉपुलेशन। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि जो हमारी जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है ना, हमें साला बचपन से ही सिखाया जाता है, बचपन से ही दिमाग के अंदर एक प्रोग्राम करा जाता है कि बेटा तेरा वक्त आएगा, बेटा तेरा वक्त आएगा, अच्छा वक्त आएगा, जब तू कमाएगा, जब तू बहुत कुछ कामयाब होगा बेटा, तू करता रहे चीजों को, कोई बात नहीं बेटा, सह चीजों को, सह जो चीज नहीं पसंद है उसे भी कर। और लोग इस बात को मेंटली प्रोग्राम हो चुके हैं, उन्हें पता है कि पता नहीं भाई मेरा वक्त अभी नहीं है, वक्त आएगा, हर किसी का वक्त होता है। सबसे बड़ा कॉमन डायलॉग आज के टाइम में, द मोस्ट कॉमन डायलॉग, हर किसी का वक्त आता है। सारा फिल्मों में भी यही दिखा देता है कि हर कुत्ते का दिन आता है। अबे भाई इन फिल्मों के चक्करों में मत पड़ो, मैं बता रहा हूँ, ठीक है बहुत सी कुछ फिल्में अच्छी होती है वो बात हम बाद में करें, लेकिन अगर आप कभी भी कामयाब लोगों की कभी भी उनकी जीवनी, कभी भी उनकी बायोग्राफी उठा के पढ़ना, कभी किसी ने ये नहीं बोला कि मेरी बुरी किस्मत है। उन लोगों ने हमेशा उस चीज को इम्पोर्टेंस दिया, उस चीज को उन्होंने ग्रेटिट्यूड करा है, जो भी भगवान ने उन्हें दिया, जो भी अल्लाह ने 3.5 करोड़ देवी देवता जो भी उन्होंने दिया है, उन्होंने हमेशा उसको ग्रेटिट्यूड करा दिया। उन्होंने सिर्फ एक चीज करी है, इस चीज को आज गांठ मार के ध्यान रख लो, वर्क हार्ड, दे ऑलवेज हैव डन देयर एस ऑफ, वर्क हार्ड, वक्त खुद बनाना पड़ता है। और मुझे ये बात बताओ, तुम्हें पता कैसे लगेगा कि तुम्हारा वक्त आएगा? हो सकता है कि भाई वो वक्त जा भी चुका है, हैं? और हो सकता है कि वो वक्त अभी प्रेजेंट में चल रहा है, तो यहाँ पे खड़ा है और तो इस इंतजार में बैठा है कि वक्त आएगा, आएगा कब आएगा भाई, वक्त तो है और वक्त चला भी गया, पता लगा वक्त चला गया, यार मेरा तो वक्त चला गया, मुझे तो पता नहीं लगा, क्योंकि हुआ क्या, तुमने खाली बैठे बैठे इंतजार करा है, सिर्फ इंतजार करा है कि कभी एफर्ट्स नहीं लगाए, कभी वक्त को बदलने की कोशिश नहीं करी, सिर्फ एक बैठा है, एफर्ट्स नहीं लगाए, ना कुछ करना, ना कुछ धरना, ना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने, ना कंफर्ट जोन से बाहर जाना, ना कभी रिस्क लेना, अपने ऊपर यकीन नहीं रखना, दूसरों की बातें सुनना और दूसरों की बातों में आना और खुफियापंथी में पड़ जाना और अपने वक्त का इंतजार करना, जो कि हो सकता है चला भी गया, आप पता क्या करेगा भाई, वक्त नहीं आता। इस बात को याद रख लो हमेशा, हार्ड वर्क, वर्क रियली रियली हार्ड इज द ओनली की टू सक्सेस। अच्छा एक चीज और बताओ, सैटरडे ओके, सैटरडे है, प्लान बनाया पार्टी का, क्यों आज ही पार्टी करनी है भाई, जो पार्टी करने का टाइम आता है ना, सबसे पहला डायलॉग पता है क्या होता है भाई, हम प्रेजेंट में जीने वाले लोग हैं, आज ही वक्त है, आज जियो, आज खत्म करो जीके, उस टाइम ऐसे क्यों नहीं कहते कि नहीं यार 2 महीने बाद मेरा वक्त आएगा, उस टाइम मैं पार्टी करूंगा, कभी बोला ऐसे नहीं बोला ना, क्यों नहीं बोला? चलो यार घूमने का प्लान बनाते हैं, अरे यार घूमने का प्लान बनाते हैं यार, एंजॉय करो लाइफ को, कुछ नहीं रखा, माँ बाप कुछ बोलते हैं, पेरेंट्स कुछ बोलते हैं, कुछ नहीं सुनना, उस टाइम क्या डायलॉग होता है, अरे यार कुछ नहीं होता, अपनी जिंदगी जी, अपने वक्त एंजॉय करो, अपनी जिंदगी मौज से करो, क्यों भाई? उस टाइम ये नहीं बोलते कि वक्त आएगा तब करेंगे, मैं बताता हूँ क्यों नहीं, क्योंकि उस टाइम दिमाग में प्रायोरिटी होती है तुम्हारा जो एंजॉय करना हो। जब लाइफ के गोल्स आते हैं, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, जब फाइनेंशियल मॉनेटरी पैसे की बात आती है, उस टाइम ये सारी चीज चेक करती है, तेल लेने, उस टाइम हम भूल जाते हैं प्रेजेंट में क्या है, उस टाइम हम ये सब भूल जाते हैं कि जो हमें करना आज ही करना है, उस टाइम हम ये सब किस्मत में छोड़ देते हैं कि भले वक्त आएगा तब कोई चीज होगा अपने आप। वक्त उन लोगों का जरूर आता है जो मेहनत करते हैं, जो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, जिन्हें अपने ड्रीम्स पर भरोसा होता है, जो अपने लक को बिल्कुल साइड में रखते चलते हैं। लक इसके ऊपर अलग से टॉपिक बनाना पड़ेगा, लक के ऊपर हाँ अलग से बनाना पड़ेगा, राजकुमार भी यही कहता रहेगा हमेशा। आज एक काम करो, अभी इसी बात इस वीडियो के खत्म होते ही शीशे पे जाना, मिरर मिरर देखना ना, रोज देखते होगा थोड़ा चिपकाने के लिए, थोड़ा सेट करने के लिए, दाढ़ी में कैसा लग रहा हूँ, अच्छा लग रहा हूँ, मास्क में शीशे के सामने जाना और ईमानदारी से, सच्चे दिल से सवाल करना खुद से कि मैं जिंदगी में जिस भी स्टेज पर हूँ, अगर मैं कामयाब नहीं हूँ, अगर जो लोग कामयाब है, या प्लीज इस वीडियो को यहीं मत देखो, यहीं पे स्टॉप कर दो, बंद करो इस वीडियो को, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो वक्त के भरोसे बैठे हुए हैं, उनका वक्त आएगा, जाके एक बार देखना शीशे में और ईमानदारी से अपनी आंखों में आंखें मिला के देखना और पूछना क्या मैंने सच में
पर घाट कर रहे हैं, आई एम लॉयल। चाहे किसी लोगों का रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा था, चाहे किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही, किसी की हेल्थ अच्छी नहीं चल रही, पूछना अपने आप से यार आर यू कमिटेड, आर यू कमिटेड? नो, यू कैन सिंपली से यार यू कैन नॉट गिव आंसर टू यूरसेल्फ। तो किसको धोखा दे रहे हो यार, किसको? हम तीन तरीके से मोटिवेट होते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम देखते हैं और जो हम सुनते हैं। देखना टाओ, सुनना टाओ, जो आप बोल रहे हो ना, बोल रहे हो अपने मुंह से नेगेटिव वर्ड्स निकाल रहे हो, नेगेटिव वर्ड्स निकाल रहे हो, वही जाके दिमाग में घुस रहे हैं। अपने आप को डीमोटिवेट कर रखा है अपने आप को, दूसरा तो क्या डीमोटिवेट करेगा यार, जब खुद को ही एक बहाना दे रखा है आप लोगों ने। कुछ ना करने के बहाने होते हैं, एंड दिस इज द नंबर वन एक्सक्यूज टू वेट फॉर द गुड टाइम। गुड टाइम इज दिस, ऐसा ही एक पल बनेगा फ्यूचर में, ऐसा ही एक पल था पास्ट में, यही एक पल 5 मिनट बाद पास्ट बन जाएगा, और ऐसा ही कुछ पल होगा फ्यूचर में। फ्यूचर में कुछ अलग से परियां नहीं आंच रही होंगी, या फिर अलग से कुछ अलग से वहां पे मिले मिले लगे होंगे, नहीं भाई फ्यूचर में भी एक ऐसा ही पल होगा। तो उस टाइम क्या करेगा, उस टाइम कौन से वक्त का इंतजार करेगा? तो सारा वक्त एक जैसा होता है, और जो अगर जो भी कुछ करना है इसी पल में करना है। उठा सब चीजें बैग, जो करना है उसको लिख डायरी में, नोट डाउन ऑन द डायरी द डेडलाइन ऑफ योर गोल्स, डेडलाइन ऑफ योर टारगेट्स आज और अभी से, और उसको कमिटमेंट, यू हैव टू बी कमिट टू अचीव दैट। और उसके बाद अगर उस चीज को ना अचीव कर पाओ, सो आज के लिए मैं इतना ही काफी है। अब इसी तरीके की वीडियो साथ आगे लगा रखा, अगर आप लोगों को ये वीडियो सच में अच्छी लगी ना, तो यार इस चीज वीडियो को सब्सक्राइब करना चाहो कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहो तो कर देना, वीडियो को शेयर करना चाहो तो कर देना। ये एक नया चैनल है, इंडिया में एक ऐसी क्रांति लाना चाह रहे हैं यार, कि एक मैंने बहुत सी वीडियो देखी है, बहुत ही ज्यादा वीडियोस, काफी सारी बुक्स रीड करता हूँ, ऑडियो बुक्स को सुनता हूँ, और एक सेकंड ये क्या है, ठीक है नाउ फाइन। अभी बहुत बेसिक सा कैमरा है, और माइक में भी नहीं खरीदा है, क्योंकि अभी जस्ट एक हेडफोन है इससे बात कर रहा हूँ। आगे जाके वीडियोस और अच्छी बनाएंगे, बहुत ज्यादा आप लोगों से इनपुट मिलेंगे। मेरे पास बहुत कुछ है बताने को, बहुत कुछ शेयर कर सकता हूँ, मैंने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, बहुत बुरा टाइम भी देखा, अच्छा टाइम भी देखा है। क्यों देखा है? क्योंकि हमेशा एक माइंडसेट था कि उस वक्त से कैसे आगे निकलना है। आज के डेट में मैं अच्छा खासा पैसे कमा आई एम, मैं अपना प्रोफेशनल बात करता हूँ, आई विल नॉट टेक यू। सो अच्छा ठीक है, एक शेर दिखाता हूँ, उसे पढ़ देते हैं जाते जाते। वक्त कहता है मैं फिर ना आऊंगा, वाह क्या पता तुझे हंसाऊंगा क्या रुलाऊंगा, जीना है तो इस पल को जी ले मेरे दोस्त, क्योंकि इस पल को रोक ना पाऊंगा। सो बाय, टेक केयर, we will meet you in the next video. Bye.